इस्लाम निको नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नवाज शरीफ के आने में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी साजिशी थ्योरीज साथ साथ चल रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ तो रहे हैं, उनके जहाज को NOC भी मिल गया, स्पेशल प्लेन को, वो इस्लामाबाद में लैंड भी करेंगे, इस्लामाबाद से लाहौर भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सतह पर उनकी मदद भी जारी है, पूरी फील्डिंग भी पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है, और उनके जलसे को कामयाब बनाने के लिए बहुत से जाहिर नजर आने वाले और बहुत से खुफिया हाथ भी काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी मुतहरक है, तराने जारी हो रहे हैं। इसके बावजूद देखें जी, नवाज शरीफ साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में ये हो जाएगा, हालांकि अदलिया से उनको वाजे तौर पे क्लीन चिट मिल चुकी है। आज मुझे एक साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी नहीं, बस जो मर्जी आप कर लें, इस सब का रगड़ा निकलेगा। बाखबर आदमी था, सब अंदर जाएंगे, सबका एहतसाब होगा, नवाज शरीफ साहब भी अंदर जाएंगे, सबके मुकदमे खुलेंगे, सबका ये होगा, सबका वो होगा। खैर, ये तो आने वाले वक्त में चीज़ें सामने आएंगी या नहीं आएंगी। सरे दस्त नवाज शरीफ साहब का जो आमद का मामला है और जो उनकी फील्डिंग है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब की आमद के साथ ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत से चीज़ों की कीमतें, पेट्रोलियम से लेके बहुत सी दीगर स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर या बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई है। और इसकी बुनियादी तौर पे होता यह है कि किसी भी मुल्क की मईशत जो है उसका डायरेक्टली दारोमदार होता है आपकी कंटिन्यूटी के मैसेज के साथ, कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम कैसा है, कंटिन्यूटी कितनी है, आने वाले दिनों में हालात क्या हैं। अभी भी चूँकि गोमगो की कैफियत है, अभी भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। अच्छा, इस पर भी डिबेट है बहुत ज़्यादा और इस पर कंट्रोवर्सी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम की वजह से हो रहा है या नवाज शरीफ साहब की आमद की वजह से हो रहा है। ये दोनों तरफ से इसका क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नून लीग के सारे लोग, यूट्यूबर और उनके फेवरेट जर्नलिस्ट, सब के सब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये साबित करें कि नवाज शरीफ साहब ने जहाज़ की टिकट बुक कराई है तो देखें फ्यूल नीचे आ गया है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख किया है तो देखें स्टॉक बेहतर हो गई है, जहाज़ की बुकिंग हो गई है तो देखें डॉलर दोबारा ठीक हो गया है। तो पूरी पॉलिटिकली एक कोशिश की जा रही है कि इसका क्रेडिट लिया जाए, और ये उनका हक भी है। जिस तरह PTI के लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा होता है, इसी तरह नून लीग भी कोशिश कर रही है, तो ये कोशिश करना भी उनका हक है। लेकिन साथ साथ अभी भी साजिशी थ्योरी चल रही है कि 24 तक बेल मिली है, 24 के बाद क्या होगा, और मियां साहब को ट्रैप किया जा रहा है, और साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स की भी खबरें चल रही हैं या चलाई जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, असल एक चीज़ को बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर रह के एक तो इमरान खान की बहुत सारी जो कमी कोताही और उनकी नालायकियाँ थी उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, और सियासतदान वही होता है कि जो मुखालिफ की कमज़ोरी को एक्सप्लाइट करता है, उसका फ़ायदा उठाता है और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अपने लिए स्पेस बनाता है। तो इमरान खान साहब की बहुत सारी नालायकियाँ मौजूद थीं, बहुत सारी हरकतें ऐसी थीं जिसका PDM ने, नवाज शरीफ साहब ने भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने लिए स्पेस पैदा की, और वो स्पेस पैदा करते 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 इमरान खान को फिक्स करने में और अपने लिए मजीद स्पेस पैदा करने में कामयाब हो गए। ये पावर गेम है, इसमें अगर आप मोरालिटीज़ को ले जाएंगे, इसमें आप दर्स व तदरीस को ले जाएंगे कि देखें जी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये क्यों कहा, ये पावर गेम है। पावर गेम के अंदर बाप बेटे को नहीं बख्शता, बेटा बाप को नहीं बख्शता। सच्ची बातें अगर करें तो फिर तो ऐसे ही हैं, ये माजी है, भरा पड़ा है ऐसे वाक़ात से, और इसी तरह की पावर गेम का हिस्सा नवाज शरीफ और इमरान खान भी हैं। नवाज शरीफ साहब को एक क्रेडिट बहरहाल जाता है कि वो इस सिस्टम के कामयाब खिलाड़ी हैं, जिस तरह जरदारी इस सिस्टम के कामयाब खिलाड़ी हैं। अब नवाज शरीफ साहब जिस लेवल की फील्डिंग लगा के आ रहे हैं,
बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से, ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब के साथ वो फिट थे, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ आ रहे हैं, पूरी गन गर्ज के साथ आ रहे हैं, पूरी फील्डिंग लगा के आ रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करके आ रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ उनके मामलात को आगे चलाया जा रहा है, जलसे की मैनेजमेंट से लेके अदालती मैनेजमेंट तक और अदालती मैनेजमेंट से लेके पब्लिक परसेप्शन तक और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट तक, हर जगह सारी की सारे स्टेजेस के ऊपर उनको क्लीन चिट मिल रही है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है और उनको वेलकम किया जा रहा है। वो सऊदी अरब गए लंदन से, तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुए, सऊदी अरब से दुबई रवाना हुए तो वीवीआई प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुए, दुबई से पाकिस्तान की तरफ आएंगे स्पेशल प्लेन के ऊपर तो उसमें भी वो एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे। इन हालात के अंदर ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ साहब जो एजेंडा लेकर आ रहे क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्या हालात को बेहतर कर सकेंगे, क्या पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट तबाही बर्बादी का शिकार है वो बेहतर हो जाएगी, क्या पाकिस्तान की मैशत जो तबाही बर्बादी का शिकार है उसके लिए अच्छी खबर होगी, क्या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बेहतर हो जाएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर जो सुर्ख फीता का शिकार हर चीज़ है वो ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की ख्वाहिश जो कभी नवाज शरीफ साहब की भी होती थी वो एहतसाब का एक बड़ा दायरा बनाना चाहते थे, क्या वो बन जाएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर रिवाइव हो जाएगा, क्या इस इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस इलेक्शन के नतीजे में मियां साहब इक्तदार में आना चाहते हैं उस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या पीटीआई इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। और इससे भी बड़ी बात, मैं हमेशा एक बड़ी लॉजिकली पॉइंट के ऊपर लोगों से सवाल करता हूँ जिसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास तो होते ही नहीं, बहुत सारे लोग उसको यस भी करते हैं कि क्या नवाज शरीफ तख्ती के ऊपर चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का नाम सिर्फ लिखवाने के लिए आ रहा है, कोई उसको ये कम्प्लेक्स है, क्या वो कोई पैसे कमाने आ रहा है, इन दोनों सवालों का जवाब है नो, वो कोई बड़ा काम करने आ रहा है। और बड़ा काम क्या हो सकता है, एक इंडिया से दोस्ती का एक उनका पुराना प्रोजेक्ट है, वो मेरा ख्याल है वो आगे बढ़ाएंगे और इस पर इंटरनेशनल फोर्सेज की भी उनको हमायत हासिल है। अगर वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो ये वो टर्निंग पॉइंट होगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनको इस पर कितना सपोर्ट करती है। अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं करती और इस पर फड्डा पड़ जाता है, और जिस तरह की खबरें अभी से आ रही हैं कि मियां साहब की गवर्नमेंट फैसल वाडा के बकौल 12 महीने 14 महीने चलेगी, और वो बुनियादी तौर पर यही वो चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ साहब जो एजेंडा लेके आ रहे हैं वो एजेंडा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अंदर खाते बहुत सारी बातें की जा रही हैं, अभी बाहर नहीं आई। लेकिन आने वाले दिनों में मैं तो अच्छी उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, लेकिन आने वाले दिनों में भी क्योंकि इलेक्शन जिस माहौल में हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता इसलिए नहीं की जा सकती कि अभी से बहुत सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मेरी दुआ है कि मियाँ साहब नेक नीयत से आएँ और नेक नीति के साथ वो आगे बढ़ें और मुल्क तरक्की करें और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करे पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर अल्टीमेटली ट्रिंक के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उन्होंने ही जीतना और हारना होता है, ये मैदान जो है सियासत का ये सियासतदानों के लिए छोड़ दिया जाए, कोई हारेगा कोई जीतेगा कोई घिरेगा कोई उठेगा तो अल्टीमेटली ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और सियासतदानों के लिए भी इसमें एक सबक है कि जब तक सियासतदान आपस में ठीक नहीं होंगे, अपनी स्पेस अगर सरेंडर कर देंगे टूवर्ड इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस तो उसके बाद वो स्पेस वापस नहीं मिला करती। तो अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी स्पेस सियासतदान सरेंडर कर चुके हैं, अब नवाज शरीफ उस स्पेस के अंदर वापस आ रहे हैं, क्या वो स्पेस वापस ले सकेंगे जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलर पार्टी सरेंडर कर चुकी है इमरान खान की पीटीआई की शक्ल में, क्या वो वापस ले सकेंगे, क्या बाकी जो बहुत सारे पॉलिटिशियन अपनी स्पेस सरेंडर कर चुके हैं वो वापस ले सकेंगे, और क्या सियासतदानों को ये इख्तियार
और इख्तदार और स्पेस दे दी जाएगी कि वो बड़े बड़े फैसले कर सके इंडिया से दोस्ती से लेके बॉर्डर खोलने तक। ये सारे चीज़ें जो सिक्योरिटी से प्रायरस्ट लिंक्ड हैं, ये फैसले कर सकेंगे। ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक बेस्ट विशेस के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए जो हो बहुत अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।